Assalamu alaikum everyone, welcome back to our new vlog of cooking. तो देखिए यहाँ पर मेरी माँ जा रही थी घर पे राइस का आटा बनाने और उनके फर्स्ट टाइम ने बहुत बार बना चुकी है और मेरी माँ इसको एक दिन पहले वॉश भी कर ली थी और सोची कि लाओ आप लोग को दिखा भी देती हूँ। तो देखिए बनाएंगे और उसके भी थर्सडे को रात में बना रही है, फिर फ्राइडे को बनाएंगे उसका कुछ स्पेशल जो कि आप लोग को थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा। देखिए और ये घर का था तो इसीलिए जो इससे बनाई थी बहुत अच्छा था, देखिए बहुत अच्छा लग रहा था इसका टेस्ट। देखिए पूरा हो चुका है, और ये देखिए मार्केट वाला है, 1 kg था ये, और घर पे घर वाला कितने के जी था मम्मा? 2 kg, क्योंकि मिला के 3 kg हो गया। ये देखिए हम मिक्स कर लेंगे सबको साथ में। मार्केट वाले में जैसे कुछ मिलाया रहता इतना ज्यादा व्हाइट व्हाइट रहता है, नहीं मार्केट का मिला नहीं है तो बहुत बारीक फाइन पाउडर रहता है, लेकिन इसमें दाना दाना नहीं वो फील होता, तो सिर्फ ये जो घर का वाला रहता है इसमें दाना दाना रहता है, तो उसको मिलाने के बाद थोड़ा अच्छा हो गया था बनाने को लायक। और देखिए मेरी माँ दाल बना रही, दाल को पीस के और इसी वीक से हम लोग एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। ये फर्स्ट एग्जाम है तो उसके बाद छुट्टी तो नहीं होगा, होगा 1 week का, मतलब कि वही 1 week का होता है। इसी वेडनेसडे से शुरू होगा और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन खुश हूँ, मुझे टेंशन नहीं फर्स्ट एग्जाम को लेके, क्योंकि मैथ है, कुछ कुछ जो नहीं आता वो मतलब कि अभी हम लोग रिवीजन करेंगे, जो नहीं आता है वो टीचर समझा देगी। देखिए मैं चटनी बना रही है, सॉरी चटनी नहीं है, वही दाल के लिए पीस रही हूँ मैं। हाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट क्यूब जो था वो डाले हूँ, थोड़ा जीरा हाउ ग्रीन चिल्ली और हींग डाले हूँ, सब एक साथ मिला के पीस के रख दूंगी। ये कब करी थी? रात में, सुबह रात में करके रख दी थी सुबह नाश्ते में बनाने के लिए। वेडनेसडे से हम लोग एग्जाम शुरू होगा, थर्सडे का खत्म होगा, फिर 1 week का फुल हम लोग मस्ती करेंगे। ये देखिए सुबह हो गई है, फ्रिज से निकाल के लाएंगे। अब चलो बता ही देते क्या जा रहे बनाना है, क्या बनाना चाह रहे मम्मा? दल भरी। हाँ उसको पता नहीं क्या बोलते हैं हम लोग, उसको दल भरी बोलते हैं। हाँ और कोई कोई लोग लोरा फारा भी इसको बोलते हैं। मेरी नानी इसको बोलती थी, हम लोग भी कहते हैं ज्यादा तो भाई, मेरी नानी और दादी दोनों ही कहती है, सब लोग वहाँ इंडिया में लोरा फारा ही बोलते हैं। पता नहीं हम लोग के गांव में तो बोलते हैं और पता नहीं कहीं कहीं और कुछ दूसरा बोलते होंगे, मुझे पता नहीं है क्या बोलते हैं हम लोग, लोला फारा और दल भरी बोलते हैं। देखिए
आटा बनाने के लिए आटा हाफ कर रही हूँ, इसमें नमक डाल के मिला के नमक आटे में नमक मिला के हो गया है एकदम से गर्म पानी। पानी को बॉयल करने के बाद एकदम बॉयल पानी चाहिए। थोड़ा ये आटा बनाने वाला टफ है, मुझे बहुत टफ लगता है। गरम गरम रहता हाथ और सब जल जाता है, लाल लाल हो जाता है। हाँ वो को देखते हुए जितनी हंसे थी उसे देखते हुए जाके कहीं पर छुप के तो मैं हंसती हूँ। मेरी माँ करती है इसको स्पून से, जब थोड़ा ऐसा हो जाता है जब थोड़ा सा बाकी रहता है स्पून से नहीं होता है तब जाके हाथ से करते हैं, उतना ज़्यादा मोबाइल से करती है। आई आई देखिए हो गया है, कितना गर्म है, गर्म गर्म मेरी मुझको टच करी है। यहाँ पर मचाई है कड़क बनाना है, सॉरी कड़क नहीं, इसमें कड़क नहीं बनाती है, इसमें काली चाय बनाती है। देखिए काली चाय में सब डाल दी हूँ, अदरक, छोटी इलायची, लौंग, ये काली मिर्च पाउडर है, और उसमें रख दी हूँ। पानी बॉयल हो रहा है पतीली में, एक चाय का चम्मच चाय पत्ती डालती हूँ, इसमें बहुत कम चाय पत्ती लगता है काली चाय में। मसाला चाय इतना टेस्टी बनता है काली चाय कि मेरे हाथ के काली चाय पीने के लिए बहुत लोग तरसते हैं, इतना अच्छा लगता है सबको काली चाय। और कोई कहेंगे चाल कड़क चाय ही नहीं बनाओ, काली चाय ही सब लोग पसंद करते हैं। थोड़ा सा चेक करने जा रही कि सब बराबर तो है। अब इसमें तो किसी की गलती है ही नहीं, मम्मा की ही गलती, इतना अच्छा चाय बनाती है। कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है कोई चाय बनाने के लिए बोलता काली चाय, बोलती हूँ मैं थक गई हूँ काली चाय बनाते बनाते, जब देख सब काली चाय काली चाय काली चाय। अब सब काली चाय हो गया इधर, इसमें दाल भरने के लिए तो छोटा छोटा बना के रख लूँगी। और बारिश भी, इतना अच्छा मसाला, इतनी अच्छी बारिश हुई। ओ हाँ, मतलब कि अभी इसी में दिखेगा आप लोग को। मेरी मम्मा बिजनेस से सोच रही है लोरा फार्म बनाने के लिए, तो और बनाई आज, और हम लोग वेदर कॉस्ट भी नहीं चेक कर रहे हैं तो, और अचानक से सब बिजली कड़कने लगा। देखिए पानी भी खोल गया और दल भरी जा रही हूँ रखने, इसमें बिजली का निकल गया तो मैं बाथरूम में थी, मैं डर के बाहर निकल गई, मम्मी इतना ज़्यादा क्यों, अचानक से बारिश शुरू होना। फिर मैं मम्मा से बोली, मम्मा आप वेदर कॉस्ट को चेक करियो, तो मैं बोली नहीं तो क्यों, तो मम्मा से बोली बाहर बारिश हो रही थी, मम्मा बोली सच में, और माशाल्लाह इतना बड़ा बड़ा बूंद गिर रहा था, मतलब कि ड्रॉप वाटर का, और बारिश होने लगी बहुत तेज। बाबा बाबा जो जुम्मन पड़ने गए थे, हम लोग मामू बाबा अबू भीग गए थे एकदम से, और एकदम से मैचिंग मैचिंग हो गया था ना मम्मा, गरम गरम थे, सब लोग खा रहे थे क्योंकि भीग के आए थे तो कपड़े बदल के ठंडी लग रही थी इन लोग को, तो गरम गरम खा के के। और जो मैं फेस इसलिए लगाई थी क्योंकि मेरे मम्मा का फेस दिख गया था। एक बार हो गया है ये, सब लोग जुमा पढ़ के आ गए, अब इसको फ्राई भी करूँगी फौरन, ये नहीं कि कोई इसे खा ले। अच्छा ले जाके मैं फ्राई भी करी, थोड़ा सा प्लेट में अलग रख के, बगैर फ्राई करे रख के आए, कोई नहीं खाया।
फिर वापस वो आ गए। पहली बार बाबा फ्राई करा हुआ खाया क्योंकि उनको वो ठंडी लग रही थी इसीलिए, और बाबा को काले चाय के साथ अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ तो थोड़ा सा चिपको चिपको हो गया था तो इसीलिए कोई ग्रीन ग्रीन चटनी बनाई थी और वो नमक बहुत टेस्टी था। और जो नमक मुझे था कौन खाया मामा? हाँ तुम किसी की बस की बात मामू की मामू ने खा पा रहे थे पता है, खट्टा लग डाला हुआ था आमचूर पाउडर तो उसको अच्छा लग गया, इसे रखती चाटती रखती और एक बार पूरे हाथ में लग गया और चाटी पूरे मुंह पे लग गया था उसके। आधे के बारिश होने लगी थी लाके दिखाए उन्हें इतना तेज कि पूरा वो चना इतना बड़ा बड़ा हो गया था सब लेट गया सोने लगा वो। तो फातिमा रोती है ऐसे ही, इन लोग भी रो रहे कि मुझे नहीं नाना। इतने अच्छी हवा चल रही है माशाल्लाह। अरे मैं सब धुली थी, मैं जल्दी जल्दी सब लोग उसको अंदर करें अंदर करें। और जब से बाबा ऊपर लगा दिया है बाहर की तरफ तब से कि हम लोग बारिश भी होती तब लोग उसका बहुत आराम से व्यू ले सकते हैं। हाँ रेडी हो चुका है तो टेस्टी था ना, देखिए अलग है। और ये पूरा फातिमा खा ली थी देखिए ऊपर फ्राई हो रहा है। ये देखिए मेरी मजारी बिरयानी की तैयारी करने बनाने जा रही हूँ। देर हो गया है दोपहर, नहा के बच्चों को नहला के नमाज पढ़ के, और यहाँ पर कुरान भी चल रहा था, कुरान चलाई थी सुबह का। हाँ अगर हम लोग पढ़ते थे तो कम से कम सुन ही ले, अगर टाइम नहीं मिलता तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत काम रहता तो नहीं पढ़ पाते हूँ। हाँ और उसके बहाने सब लोग भी सुन लेते हैं। वैसे तो मैं सुबह फौरन उठ के लगाती हूं। पहले जब हम लोग का टैबलेट नया नया था तो मम्मा इतना तेज आवाज करके लगाती थी कुरान, कितना अच्छा लगता था। अभी भी लगाती हूं। हाँ लेकिन हाँ फिर जब उठो तो सब कुरान सुनने को मिलता है, उठे थे फौरन तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे माँ ऑनियन डाल दी, जिंजर गार्लिक की वो भी डाल दी है, हम यहाँ पर चिकन भी डाल दिए। मेरी माँ चिकन बिरयानी बनाई है, देखिए हो चुका है। मेरी माँ इसमें टमाटो डालेंगे, बिरयानी मसाला डाली थी और ये सॉल्ट डाल दिए। मैंने बस वो पोटैटो डाल दिए ताकि सादर फार्मिन बिरयानी खा ले। सॉरी गाइस सब वॉइस को भी इग्नोर कर देना क्योंकि अपना रिवर्सल जो कि हम लोग का स्टार्ट हो गया है तो अपना उसका होमवर्क कर रही थी साइंस का, तो कि मेरी टीचर ने पेपर दी थी तो पर यूज़ कर रही हूँ उसे, उसका ही आवाज़ आ रहा।
देखिए मैंने बस वही ओपन डाल दिया है। देखिए उसको मिक्स करो, और मिक्स करने के बाद रख दिए ताकि पक जाए योगर्ट। और ये खड़ा मसाला डालिए और सॉल्ट भी डालिए और राइस बॉइल करेंगे। देखिए हमें उसमें घी डालिए, तो मेरी माँ वाटर को इससे बॉयल होने के लिए रख देंगी। ये देखिए यहाँ पर वो रेडी हो चुका है सालन। देखिए इसमें धनिया डाली है रेमा। मिक्स करेंगे और ये देखिए वाटर बॉयल हो चुका है मेरे, उसमें राइस डाल देंगे। देखिए डाल चुकी है मेरे उसमें राइस। मेरी आवाज़ नहीं बदल बदली इसलिए क्योंकि मुझे फिर सर्दी हो गया पता नहीं कैसा। ये देखिए सालन में डाले, फिर ऊपर से राइस और कलर ऑरेंज और रेड, और ये फ्राइड ऑनियन भी डाल दिए। इसको ऐसे ढक देंगे, इसको गैस पर रख देंगे तवे के ऊपर। और माशाल्लाह बहुत टेस्टी होना था बिरयानी कल। देखिए कितना टेस्टी लग रहा देखने में, और उससे ज्यादा टेस्टी खाने में था। उसको मिक्स कर रही है ताकि जो नीचे वाला है सालन वो ऊपर चावल से मिक्स हो जाए। देखिए बारिश की वजह से जो चना गिर गया था ज़्यादा, तो मुझे किसी प्लांट के बारे में इतना जानकारी नहीं है, तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस मुझे ये पता कि धनिया क्या होता है और पुदीना क्या होता है, और ये जो होता है ऑनियन लीव्स, बस इन तीनों के अलावा मुझे कुछ नहीं पता। एलोवेरा भी, और मेरी माँ यहाँ पर आई थी ऑनियन लीव्स लेने के लिए। एकदम फ्रेश फ्रेश था। और जो मैंने मैं दुपट्टा पहने एकदम सेम मेरी नानी के पास भी है। और मेरी मैं सैलड कट कर चुकी थी,
चॉप कर चुके थे मीन, तो फिर उसके बाद सिर्फ यही डालना बाकी था, तो ये ना ये उसको वॉश कर लेंगे, इसको सीजर से कट करके डालेंगे इसमें। अगर आप लोग हम लोग के चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आज का रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर लेना। अपने फ्रेंड्स और फैमिली वाले को शेयर भी कर लेना। देखिए क्या है, और यहाँ पर मेरे पापा साथ को पढ़ा रहे थे। मैं अपने स्कूल के लिए कैलकुलेटर लेके आई थी, तो वो रो रहा था कि मुझे तो उसके लिए भी लेके आया, तो जिद करवा के लेके आया है। और ये देखिए फिर तुम्हारे को मेकअप कर रही थी, तो फिर मम्मा छोटे करके सिर्फ लिपस्टिक लगा दी है। तो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।